क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स के बाद एक और खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आयरलैंड के लिए खेलने वाले बल्लेबाज एड जोइस ने 39 वर्ष की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 11 मई को ही पाकिस्तान के खिलाफ एड जोइस ने अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 4 और 43 रन बनाए थे। 77 वनडे खेलने वाले एड जोइस ने 6 शतक के साथ 2662 रन बनाए हैं। हालांकि एड जोइस ने वनडे करियर की शुरुआत 2006 में इंग्लैंड के लिए खेलते हुए की थी। आयरलैंड के खिलाफ उस मैच में जोइस ने 10 रन बनाए थे। इंग्लैंड और आयरलैंड दो देशों के लिए खेलने वाले एड जोइस पहले खिलाड़ी हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में एड जोइस ने जहां इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी की थी, वहीं 2011 के वर्ल्ड कप में एड जोइस आयरलैंड टीम के लिए मैदान में उतरे थे। एड जोइस के T20 करियर की बात करें तो वहीं 18 T20 मैच में 405 रन बना चुके हैं एड जोइस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके एड जोइस फिलहाल अब एक नई जिम्मेदारी के साथ दिखेंगे। उन्हें आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए उन्होंने आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे लगता है कि खेलना छोड़कर नया अध्याय शुरू करने का यह सही समय है। मैं आयरलैंड क्रिकेट का अपने कोचिंग ढांचे में मुझे जगह देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। NMF न्यूज की रिपोर्ट।